किसी युवक ने घोड़ी चुराई। अब साधन तो थे नहीं, शायद रोजगार की भी उतनी व्यवस्था नहीं। आज भी मेरे देश में मेरे कितने जवान भाई BA MA किए, कितने भाई BED वगैरह करके, पहले माना जाता था तो BED की परीक्षा पास करो तो नौकरी पक्की, टीचर लग जाओगे, तो हजारों हजारों बैठे घर में, कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो वो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना होता है, अपराध की दुनिया में कूद जाते, वहां किसी योग्यता की जरूरत नहीं, वहां कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं, वहां कोई इंटरव्यू को झेलना नहीं पड़ता, जो कूदना चाहे कूद जाओ, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ, कितने निरपराध युवक अपराध की दुनिया में जाते जा रहे। तो एक लड़का ऐसे ही, जवान लड़का, लगा क्या करना चाहिए, वो किसी की घोड़ी चुरा ली, खोल के ले आया। अब अपने घर ले आया तो लगा के ज्यादा दिन मत रोको, क्योंकि चोरी का माल है, किसी को पता चलेगा तो पुलिस पकड़ेगी। तो उसके गांव में पशुओं का मेला लगा था, वो लेके उस घोड़ी को चल पड़ा कि चलो मेले में बेच दो जितने की बिके। इसको आप हकीकत मानो के कहानी मानो, लेकिन हमको सिखाने पर विवश करती, कुछ सिखाती है ये घटना। मेले में टिका रहा, एक दो ग्राहक लगे तो उसने 5,000 मांग लिया, घोड़ी का मूल्य 5,000, बेचना चाहता हूं, कोई टिका नहीं, कोई ग्राहक लगा नहीं, साय होगी, मेला भी छूटने लगा, पशु कुछ बिक गए, कुछ वापस जाने लगे लोग अपने पशुओं को लेके। अब जब अंधेरा होने लगा तो उसको भी लगा कि बिकी तो नहीं, अब वापिस ले जानी पड़ेगी, फिर से चौकीदारी करनी पड़ेगी, कोई देख ना ले। इतनी देर में एक ग्राहक आया, कहा भाई घोड़ी बेचना चाहते हो? क्या बेचना चाहता हूँ। कहा कितने की? उसको लगा 5,000 में तो कोई लेने को तैयार नहीं, तो जरा रेट डाउन करो। कहा 3,000 की बेच दूंगा। कहा भैया 3,000 मांग रहे हो, ऐसा क्या तुम्हारी घोड़ी में कि जब ये दौड़ती है ना तो सितारों से बात करती है? अच्छा भाई, तो ट्राई तो लेनी पड़ेगी। अब उसको तो बेचने का चक्कर था, कहा हाँ ठीक है ट्राई लो। वो ग्राहक घोड़ी पे बैठा, जरा लगाम खींची और दौड़ गया, और उस आदमी को लगा अभी वापस आएगा, बताएगा हाँ वाकई तेरी घोड़ी बहुत दौड़ती है, मैं खरीदता हूं। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा, अब लेने वाला तो लेके चला गया, अब तो ना घोड़ी थी ना खरीदार था। रात भर बैठा रहा, अभी आएगा अभी आएगा, ये हमारी मानसिकता होती है, इंतजार करते शायद शायद कुछ ऐसा हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए ना, हमको पता है कि गुम वहां पे हुई, 1 किलोमीटर दूर, तभी अपने घर में भी तलाश करते शायद यहीं कहीं मिल जाए, पता नहीं मिलेगी गुम तो वहां, फिर भी इसी प्रकार वो भी एक बिना बात की उम्मीद लगाए बैठा रखे, शायद अभी भी खरीदार आ जाए, शायद ईमानदार हो, शायद कहीं फंस गया हो, शायद कहीं गिर गया हो, कहीं चोट लग गई हो, पट्टी बंधवा के फिर लेके आ जाए। और जब सुबह दिन निकला, 5 बज गए, तो विचार किया कि अब तो चलना चाहिए, और चल पड़ा अपने गांव में। जब घुसा, सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे, सो के उठे थे, घूमने जा रहे थे। कहा बेटा कहाँ से आया? ताऊ मैं तो मेले में गया था। कहा हाँ मेले में तो गया था, घोड़ी बिक गई? हाँ ताऊ बिक गई। कहा कितने की बिकी? के ताऊ बिक गई कोई नहीं। अरे बेटा बता तो कितने में बिकी? और उसने कहा था जितने की लाया था उतने की बिक गई, जितने की लाया था। हराम का माल हराम में जाता है, चोरी का माल ऐसे ही जाता है, जितने की लाया था ताऊ उतने की बिकती है। मेरे पास एक लड़का आया, वो अपराध जगत में चला गया, पुलिस ने 2-3 मुकदमे बनवाए, जैसे तैसे उनसे बचा, जमानत हो गई, बाहर आया तो एक हफ्ते के अंदर पता है कि वो फला लड़का, फिर से नाम लेना तो ठीक नहीं होता, फला लड़का फिर से जेल में, फिर दोबारा जवान हुई, फिर तीसरे अपराध में चला गया। मैंने एक दिन कहा कि भाई तुम बार बार जाते हो, क्या पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, झूठे मुकदमों में फंसाती है, चक्कर क्या है? वो जवान लड़का 22-24 साल का होगा, उसने मुझे कहा जी क्या करें, जेल में इतना मजा आ गया कि बाहर आता हूं तो बाहर मन नहीं टिकता, और फिर लगता कि अंदर ही जाना चाहिए, एक अपनी संगत वहां पे, कैदियों की संगत, उसकी रंगत चढ़ जाती,
कुछ परेशान हो जाते और कुछ उसके रंग में रंग जाते तो तब उससे बढ़िया स्थान भी उनको नजर नहीं आता। कहा मेरा मन नहीं टिकता, जब बाहर आता हूँ तो 3-4 दिन में इतना बोर हो जाता हूँ कि फिर कोई अपराध कर देता हूँ जानबूझ के इस नियत से कि अंदर जाऊं। तो ये हमारा जो जो वातावरण हम दे रहे हैं, जो संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिल रहे, उसका परिणाम यह कि हर युवक अपराधी प्रवृत्ति का होने को तैयार बन बैठा है। हमको बहुत सोचने का विषय है हमारे पास कि किस प्रकार से अपनी भावी पीढ़ी को संवार के रखें, किस प्रकार से धर्म को बनाए रखें, किस प्रकार से संतों की जो कृपा हमारे देश में फैली है, संतों की कृपा की जो सुगंधी फैली है, उसको किस प्रकार से बरकरार रखें। और उसका एक ही तरीका कि हाय तोबा बंद करें, हाय धन बंद करें, जो हो रहा है उसकी सत्ता से हो रहा है, उस प्यारे परमात्मा की कृपा से हो रहा है, वो दाता बैठा है, जन्म दिया तो रोटी की भी व्यवस्था उसकी होगी, कर्म करें। कहने का अर्थ ये नहीं कि बेकार होके बैठे, कर्म करें, दिनचर्या अपनी करें, पुरुषार्थ करें, आजीविका चलाने के लिए भी काम करें, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इस हाय तोबा को बंद करें। और ये मान के चलो उस मेरे प्यारे परमात्मा की जिम्मेदारी है, उसकी इच्छा से मैं अपना यथा योग्य यथा सामर्थ्य अपना काम कर रहा हूं, बाकी कोई परेशानी हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती क्योंकि उसका आश्रय लिया। ऐसा जो मान लेते उनका जीवन सुगमता से भर जाता है, उनका जीवन महक उठता है। और शिवाजी राजा होते थे, शिवाजी राजा मराठा, शिवाजी मराठा दक्षिण भारत में राजा हुए, उनके जीवनी में आता उनको एक बार अहंकार हो गया कि मैं राजा हूं तो मेरी वजह से कितने कितने हजारों लोग पेट भर रहे, कितने लोगों का पालनहारा बन गया मैं। और समर्थ रामदास उनके गुरु थे, उन्होंने देखा, दूर बैठे ध्यान से देखा कि हाँ तुम्हारे शिष्य को अहंकार आ गया, वहीं से चल पड़े मिलने आए। और शिवाजी को आके कहा था कि शिवा अपने 2-4 आदमी मेरे साथ लो, मजदूर चलो एक जगह। गुरु का आदेश था, शिवा चले। एक पत्थर पड़ा था बहुत बड़ा, कहा इस पत्थर को तुड़वाओ, चोटें मारी गई हथौड़ों से, उसपे मार मार के पत्थर को तोड़ा, पत्थर 2 टुक हो गया। बीच में देखा छोटा सा गड्ढा था और उसमें एक पत्थर का कीड़ा, आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा पत्थर का कीड़ा, पत्थर के अंदर भी कीड़ा होता है, वो कीड़ा निकला। और समर्थ रामदास ने पूछा था कि शिवा इस कीड़े को भोजन तू देता कि तेरा बाप देता। शिवा चुप हो गए और समर्थ जी ने कहा था कि वो देता जो सबका बाप है, परमपिता परमात्मा। पत्थर के अंदर कीड़े को भी भोजन देने की व्यवस्था जब उसकी है तो तू जो प्राणी स्वरूप बना भेजा, आदमी बना भेजा है, क्या तेरे को जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी भोजन देने की? तू नियति से चलने की नियति से। मेरे देश में बीमारियों से कितनी मौत हो जाए, अपराधों से कितनी मौत हो जाए, लेकिन भूख से शायद कोई मौत नहीं होती होगी। कोई ज्यादा ही अगर कर्मों का हीना होगा तो बात अलग है, वरना तो जो कुछ निकलते भिखारी हैं वो भी पेट भर के तो सोते। तो रोटी की व्यवस्था की समस्या नहीं, समस्या हमारे मन को समझाने के, हमारा मन टिके कैसे। रोटी की व्यवस्था हो जाए तो भी हमारा मन टिकता नहीं, तो भी हमारी ओर कमाने की लालसा खत्म नहीं होती कभी। और यही कलयुग का परिणाम धर्म के चारों स्तंभों को हिला के रख देता, सत्य तप पवित्रता और दान, ये 4 चरण होते धर्म के, ये 4 स्तंभ होते हैं, चारों को झिंझोड़ के रख दिया जाता है कली धर्म में, कलयुग में। 3 तो होते ही नहीं, ना सत्य बचता, ना पवित्रता बचती, ना तप बचता, दान भी बस ऐसे ही मान के भाव से दिया जाता। इसलिए केशव कहते हैं युधिष्ठर अभी कुछ दिन राज्य कर लो, वरना तो फिर चूक गए, तपस्या पे चले गए, तो जब वापस आओगे तो तुम राज्य करने का तुम्हारा मन नहीं करेगा, ऐसी अवस्था में होगे। अर्जुन पूछते कि मैंने जो पक्षी देखा केशव, सुनहरी पक्षी, पंखों पे वेद मंत्र लिखे और मांस को नोच के खा रहा था, इसका क्या अर्थ है? और केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ब्राह्मण होंगे जो ज्ञान के प्रतीक होंगे,
जो लोगों को जगाने का काम करेंगे, जिनका काम तो मूलतः ये होगा कि धर्म का प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, ताकि शांति स्थापित हो, ताकि कई प्रकार के अमंगल सुमंगल में परिवर्तित हो जाए। लेकिन जो कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण होंगे, जो मंदिरों में भगवान का महत्व बताने वाले पुजारी होंगे, वो ही अपने सतर से इतने नीचे चले जाएंगे। अर्थात पक्षी ऐसा जिसके पंखों पे वेद मंत्र लिखे, जो वेद मंत्रों से संपन्न माना जाएगा ब्राह्मण, वो भी मांस खाएगा, अर्थात वो भी अपने सतर से नीचे आ जाएगा। और नियत ये रहेगी कि जिसका तू काम करा उसकी जेब से ज्यादा कितना पैसा निकाला जाए। ये कृष्ण भगवान समझा रहे अर्जुन को, हम अपनी तरफ से किसी ब्राह्मण देव को ठेस पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन क्योंकि कली धर्म, युग धर्म जो काम करता है, जो हमको नीचे ले जाता है, उसका प्रभाव होता है कि जो आध्यात्मिक जागृति लाने वाले होंगे, वो भी उनमें भी हलचल होगी और वो भी अपने सतर से विकास की बजाय पतन की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाते जाएंगे। ऐसा ऐसा वातावरण होगा। और रामकृष्ण परमहंस से पूछा था किसी ने कि परमहंस जी, कितने कितने विद्वान मेरे देश में दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म विलोपता की तरफ जा रहा। और रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में आता ये पद, उन्होंने कहा था कि देखो, तुमने चील देखी और गिद्ध देखे, पक्षी होते गिद्ध और चील, का चील और गिद्ध आसमान में उड़ते, आसमान में उड़ रहे, मगर दृष्टि उनकी जमीन पे होती, कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा दिखाई दे जा, ऊपर से एकदम डाउन मारते और उसको उठा लेते। उड़ तो आसमान में रहे, लेकिन दृष्टि तो जमीन पे पड़ी होती कि कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दे और हम लपक के उठा ले। रामकृष्ण परमहंस के ये वाक्य, अर्थात वेद और ग्रंथों का आश्रय लेने वाले और उनका प्रसार प्रचार करने का जिनको काम सौंपा गया, उनकी भी दृष्टि साधनों पे सीमित हो जाएगी, दक्षिणा पे सीमित हो जाएगी, और कितना मिल पाता उसमें कर्मकांड सब प्रभाव देना बंद कर देते। कितने कितने हवन यज्ञ होते मेरे देश में, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाते उतने। क्यों? उनके पीछे भाव हमारा खंडित होता चला गया, भाव केवल कुछ प्राप्ति का होता चला गया, देने का नहीं। देने वाला भी ये हिसाब लगाने लगा कि कम से कम कितनी दक्षिणा में, किसी पंडित को बुलाओगे ज्यादा देनी पड़ जाए, वो भी संचय में आने, और लेने वाला भी इस चक्कर में रहने लग गया किस प्रकार से ज्यादा ज्यादा मिले, और थोड़ा सा अगर कोई कम दे दे तो शायद आशीर्वाद की बजाय कुछ और मन से निकल जाता हो, अच्छा नहीं किया, मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं किया, जो भी होता होगा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की अगर बात माने तो सत्य कह रहे कि गिद्ध और चील आसमान में उड़ते, लेकिन दृष्टि जमीन पे पड़ी होती, मांस का टुकड़ा मिले और नोच के उठा ले डाउन मार के। ये हमारी अवस्था होती। काशी के नरेश होते थे कबीर जी के दिनों में 1400 ईस्वी में, और काशी के नरेश ने सुना था कि भागवत का बहुत बड़ा महत्व है, भागवत को 7 दिन सुनो तो बहुत शांति देती, बहुत कल्याण में है, भारत का कुछ मुख्य ग्रंथों में से ग्रंथ। और काशी के नरेश ने एक पंडित जी को जिम्मे लगाया कि तुम रोज आके मुझे भागवत सुनाया करो। 1 महीना हो गया, काशी नरेश के मन में कोई किसी किस्म का अंतर नहीं लगा। 1 महीना बाद कबीर जी उनको मिल गए, और उस राजा ने पूछा था, कबीर जी भागवत का तो इतना महत्व बताते कि 7 दिन सुनी और परीक्षित पार हो गए, सदगति को पा गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, मैं तो 1 महीना हो गया लेकिन कोई किसी प्रकार का फर्क ही दिखाई नहीं देता, मन में अगर बेचैनी है तो बेचैनी, अगर मन की दौड़ है तो आज भी है। तो कबीर जी ने कहा था, एक अजीब बात कही कबीर ने, कहा राजन, तुम अगर आधा घंटा के लिए अपनी गद्दी मुझे सौंप दो, आधा घंटे के लिए मुझे अपना राजा बना दो, तब मैं तुमको समझा सकता हूं कि ये भागवत 1 महीने से सुन रहे हो, क्यों काम नहीं कर रही। और राजा तो खुश हो गया कि
कबीर जी आप चाहो तो स्थाई राज्य ले लो। कह नहीं नहीं हमें तुम्हारे स्थाई राज्य से क्या। कहा ठीक है कल सुबह आओ। अगले दिन कबीर जी गए और राजा ने अपनी गद्दी पे बिठाया, ऐलान कर दिया अभी जब तक ये बैठे घंटा आधा घंटा क्या चाहे 4 घंटे लगो, अब ये कबीर जी राजा है इनके हर आदेश का पालन हो, ऐसी घोषणा कर दी गई। कबीर जी राजा बने। कबीर जी ने सबसे पहले आदेश दिया, अब महल में तो स्तंभ होते थे, बड़े बड़े स्तंभों पे छत टिकी होती थी। कबीर जी ने आदेश दिया सिपाहियों को कि इस राजा को इस स्तंभ के साथ बांध दिया जाए, इस खंभे के साथ बांध दिया जाए, मेरे सामने जो खंभा पीछे हाथ करो रस्सी से बांध दो। राजा को बांध दिया गया। अब तो राजा का आदेश था, कबीर जी तो राजगद्दी पे बैठे थे। दूसरा आदेश दिया इस ब्राह्मण को इसके सामने वाले स्तंभ से बांध दिया जाए, ऐसे पीछे हाथ करके। अब ब्राह्मण देव जो भागवत सुनाते थे उनको भी बांध दिया गया। अब कबीर जी देख रहे थे दोनों आमने सामने बंधे खड़े थे। कबीर जी ने काशी नरेश को कहा कि राजन अरे देखो कमाल हो गया, अरे तुम्हारे देश में तुम्हारे राज्य में तुम्हारे महल में ये ब्राह्मण देव ज्ञान के प्रतीक बंधे पड़े, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक विद्वान बंधा पड़ा है, खोलो जरा राजन इसको आगे बढ़ के। और राजा ने कहा ऐसे हाथ तो पीछे बंधे थे, कहा कबीर जी मैं कैसे खोल सकता हूं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं। हाँ तुम खुद बंधे मेरी समझ में तो आई बात, ठीक है। अब पंडित जी को कह रहे थे पंडित जी ये ब्राह्मण देव तुम्हारे सामने तुम्हारा राजा बंधा पड़ा, देखो खोलो इसको आगे बढ़ के। अब ब्राह्मण की भी तो वही अवस्था थी, ब्राह्मण ने कहा कि कबीर जी मैं कैसे खोल सकता हूं, मैं तो खुद बंधा पड़ा हूं। कहा ठीक है तुम भी बंधे पड़े हो, सिपाहियों का दोनों को खोल दो। दोनों खोल दिए गए और कबीर जी ने पूछा था राजा साहब समझ में आया भागवत काम क्यों नहीं कर रही। कहा नहीं समझ में आया कि छोटी सी बात है, बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता, बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता, ये ब्राह्मण देव भी साधनों में बंधे हैं, बंधा हुआ बंधे को कैसे खोलेगा। अब इसकी वाणी से जो भागवत निकलेगी वो असर नहीं करेगी क्योंकि बेचारा, अब हम बात तो करते हैं परमात्मा मई, लेकिन अगर हमारी सोच में साधन समाये हुए, अगर सोच में कोई दौड़ है, सांसारिक लोभ है, सांसारिक उसमें हम जुटे हैं, अपने मन को टिकाए, बात तो अच्छी अच्छी करते हैं प्रवचन के माध्यम से, अगर मन में है कि कुछ मिल जाए, कुछ माल मिले हड़पने को खाने को, या इसके पीछे हमारे कुछ संपन्नता आ जाए, तो हमारी वाणी प्रभाव नहीं छोड़ सकती, वो परमात्मा ही नहीं छोड़ने देगा। एक बार भीड़ जुटी भी तो धीरे धीरे हटने लग जाएगी, सिमटने लग जाएगी। तो कबीर कहते बंधा हुआ बंधे हो कैसे खोल सकता, ये ब्राह्मण बेचारा खुद गृहस्थी में बंधा, कुछ तुमको इनाम मिले इसका भाव के राजा साहब को भागवत सुनाओगे तो राजा साहब खुश होके कुछ इनाम दे देंगे, तेरा काम चलेगा। इनाम का जिसको भाव बन गया वो प्रभाव कैसे छोड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे देश के ब्राह्मण भी अपने सतर से कुछ नीचे आ जाएंगे। अच्छी करते प्रवचन के माध्यम से, अगर मन में है कि कुछ मिल जाए, कुछ माल मिले हड़पने को खाने को, या इसके पीछे हमारे कुछ संपन्नता आ जाए, तो हमारी वाणी प्रभाव नहीं छोड़ सकती, वो परमात्मा ही नहीं छोड़ने देगा। एक बार भीड़ जुटी भी तो धीरे धीरे हटने लग जाएगी, सिमटने लग जाएगी। तो कबीर कहते बंधा हुआ बंधे हो कैसे खोल सकता, ये ब्राह्मण बेचारा खुद गृहस्थी में बंधा, कुछ तुमको इनाम मिले इसका भाव के राजा साहब को भागवत सुनाओगे तो राजा साहब खुश होके कुछ इनाम दे देंगे, तेरा काम चलेगा। इनाम का जिसको भाव बन गया वो प्रभाव कैसे छोड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे देश के ब्राह्मण भी अपने सतर से कुछ
नीचे आ जाएंगे और तब तब धर्म का स्तर तो नीचे जाए। इसलिए और हम देख रहे थे कोई ब्राह्मण ये नहीं जो सुलझे हुए ब्राह्मण देव हैं, ऊंचाई पे आज भी है, लेकिन सामान्यतया कुल मिला के जाति विशेष का थोड़ा सा स्तर में फर्क आता जाता है। वरना तो हम पढ़ रहे थे पंडित रामनाथ होते कश्मीर के, उनका जीवनी हम देख रहे थे। पंडित रामनाथ एक नवाब के राज्य में चले गए और वहां दूर खेतों में जंगल में अपनी तपस्या करते, उनकी पत्नी भी साथ होती थी, दोनों संस्कार से भरपूर, दोनों धर्म के प्रतीक, कोई किसी किस्म की भूख नहीं, मिल जाए तो ठीक नहीं मिले तो ठीक, अपने साधन में जुटे रहते, एक एक चटाई दोनों के पास, चटाई बिछाते सो जाते। अब नवाब को पता चला, पंडित रामनाथ का बहुत नाम था उन दिनों, श्रद्धा से लोग दर्शन करते, नवाब को पता चला कि तेरे राज्य में पंडित जी आए, रामनाथ जी आए, वो मिलने गया, कहा ब्राह्मण देव नमस्कार, मैं यहाँ का नवाब, आप मेरे राज्य में चलो, आपके लिए महल में अच्छी व्यवस्था की जाएगी, वहीं पे अपना ध्यान भजन करो। रामनाथ ने तो मना कर दिया कि नवाब साहब महल में साधना करनी होती तो अपनी कुटी छोड़ के क्यों आते, हम यहीं पे खुद से कहीं नहीं जाएंगे, बहुत कोशिश की, मना कर दिया। तब नवाब को लगा कि कुछ भोजन की व्यवस्था तो करनी चाहिए इनकी, आखिर तो मेरे राज्य में ब्राह्मण देव आए। कहा तो फिर क्या आदेश दो, क्या क्या भोजन व्यवस्था में, राशन में क्या क्या भिजवाऊं। और रामनाथ जी ने कहा था कि ये मेरी पत्नी से पूछो, भोजन की जिम्मेदारी उसकी है, जो देती मैं खा लेता हूं, दे दे तो ठीक, जो मिल जाए ये उसकी व्यवस्था है, उनसे पूछो, वो थोड़ी दूरी पे थी। और नवाब जी वहां गए, कहा माता जी ब्राह्मण देव ने चलने से तो मना कर दिया, अब मैं क्या क्या आपके लिए सामान भिजवाऊं, जरा राशन पानी के लिए मुझे आदेश दो। और रामनाथ जी की जो पत्नी थी हमारी माता श्री पूजनीय, उन्होंने क्या कहा नवाब, कोई विचार करने की बात है। उन्होंने कहा कि नवाब साहब देखो बेटा, मेरे पास अभी दो टाइम का आटा बाकी है, लकड़ी तो हम तोड़ी लेते हैं, अपना दो ईंट लगाई चूल्हा बना लिया, रोटी पकाने के लिए लोहे का तवा भी मेरे पास है, दो टाइम का आटा है, नमक की थैली में अभी इतना नमक है कि 3-4 दिन तक चल जाएगा आराम से, माचिस में भी अभी 10-5 तिलियां बची हैं जिससे हम आग जलाते हैं, मेरी माचिस में अभी 10-5 तिलियां बाकी हैं, मेरे नमक की थैली में अभी 4-5 दिन का नमक बाकी है, मेरे पास 2 समय का आटा बाकी है, लकड़ियों की पूरी व्यवस्था है। नवाब साहब आपने छोटी छोटे पक्षी देखे, छोटी छोटी चिड़िया देखी, शाम की कोई व्यवस्था नहीं होती इनके पास और फिर भी मस्ती से चहकती रहती, गुनगुनाती रहती, गाती रहती, शाम की भी व्यवस्था नहीं होती फिर भी कितनी मस्ती से चहकते रहते हैं, मेरे पास तो अभी 2 दिन की व्यवस्था है, तो फिर मैं काहे को परेशानी, कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ तुम आ गए ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष इसी देश के धरा पे होके गए जो हमको संतोष की शिक्षा देते, जो हमारे को हमारे संस्कार पैदा करने के लक्षणों का मार्ग बताते। काश हमारे जीवन में कोई ऐसा महापुरुष आते हैं। आज तो सदगुरु बहुत है, भगवान की कृपा से मेरे देश में बहुत सदगुरु हैं जो काम कर रहे हैं, धर्म को जागृत करने का, धर्म को अग्रसर करने का, संस्कार बनने का काम कर रहे हैं। हम उनके संगत ले, उनके करीब जाए, उनके सानिध्य में रहे तो सुधार होना संभव है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पक्षी तुमने देखा वो पक्षी ब्राह्मण रूप का दृष्टांत करता है कि कल युग में ब्राह्मण देव भी अपने स्तर से नीचे आएंगे कली धर्म की वजह से, और वो राज्य जहां विद्वान भी संपन्नता की तरफ रुझान करेंगे वो राज्य तुम्हारे लायक नहीं होगा। और तीसरा कहते कि भीम, तुमने जो गायें देखी ना जो अपने बछड़े को चाट रही थी और इतना चाटा के खून निकल रहा था कमर में से, लेकिन उसको परवाही नहीं थी, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में माएं अपने सपूत को कुलक्षण भरेंगी, माताएं खुद अपने बच्चों को उस दिशा में ले जाएंगी जहां चरित्र का ह्रास होगा, जहां अवगुण भरे जाएंगे, जहां सगुणों से दूर होगा। और आज हम देखते हैं
ईमानदारी से अगर हम स्वीकार करने को तैयार हों, हम अपने बच्चों को क्या परोसते हैं? झूठ परोसते हैं। बेटा तुम फलाए तो ये कह देना पिताजी घर में नहीं है, या कोई और कहते हैं ऐसा बोल देना। झूठ बोलना सिखाते हैं, निंदा सिखाते हैं। छोटे छोटे अबोध बालकों को साथ बिठा के अड़ोसी पड़ोसी की तकरार करते हैं, निंदा करते हैं, फलाए ऐसा। हम ये भूल जाते हैं कि उनका कितना असर उन बच्चों पे पड़ रहा होगा। दूरदर्शन में कितने कितने बढ़िया हम चित्र उनको दिखाते हैं, भूल जाते हैं कि तुम जो समझ रहे हो, तुम जो देख रहे हो, जो तुम्हारे मन को भा रहा, उसका असर सीधा इन बच्चों पे भी तो पड़ रहा होगा, लेकिन नहीं। तो आज की माए कृष्ण ठीक कहते हैं कि हे केशव, हे अर्जुन, कलयुग में माताएं खुद अपने बच्चों को कुलक्षणों की तरफ ले जाएंगी, जाने या अनजाने। वरना तो सत्य माता जो होती ना, सत्य माता तो अपने पुत्र को धार्मिक उत्थान की तरफ ले जाती है। सुबह समय पे उठाना, सैर के लिए भेजना, फिर समय पे स्नान करवाना, थोड़ा सा ध्यान में बिठाना, परमात्मा की बंदगी में बिठाना, अच्छा भोजन देना, अच्छी संगत देना, अच्छी घर में भी बातें करना, दोस्तों से दूर रखना, ये अच्छे माता पिता के लक्षण होते हैं। लेकिन कम टिक पाते इन लक्षणों पर। हुई है माताएं ऐसी भी हुई है, अच्छी माताएं भी हुई है, आज भी है, लेकिन सामान्यतया मुख्यतया जो हमारी मुख्यतया जो धारा है वो उल्टी चल रही है। वरना तो एक बच्चे को गुरुकुल में भेजा उसके माता पिता ने, जो लक्षण देते हैं माता पिता, जो अच्छे लक्षण देने की भावना रखते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे को गुरुकुल में दाखिला करवाना होता था, गुरुकुल के आचार्य से बात की, उन्होंने कहा कि कल भेज दो। अब उन दिनों गुरुकुल में जाते थे रोज, घर नहीं आते थे, कई कई महीनों में आते थे, रोजाना माता पिता को मिलने में नहीं दिया जाता था। और माता पिता ने समझा कि देखो बेटा, तुम कल गुरुकुल में जाओगे, तांगा हमने बुला लिया, सुबह सुबह ठीक 6 बजे तांगा आएगा यहाँ पे, तुम उस पे बैठना और आगे की तरफ बैठना, जहां तांगे वाला बैठा वहीं पे तुम बराबर में बैठना, पीछे की सीट पे नहीं बैठना, क्योंकि पीछे बैठोगे तो तुम्हारा हमारी तरफ मुंह होगा, हम चाहते तुम हमको भूल जाओ, हमारा मुंह मत रखना, आगे बैठना चौंगे वाले के बराबर में, हम पड़ोसी की खिड़की से तुमको झांक के देख रहे होंगे, खिड़की की सुराख से देखना, गलती से भी हमारा ख्याल मत करना, आगे बढ़ जाना, पीछे मुड़ के देखोगे तो हम समझेंगे तुम ठीक संतान नहीं हो हमारी, और वहां जाके जो तुम्हारे गुरुकुल के आचार्य के आदेश का पालन हो। और माता पिता को बच्चे ने, क्योंकि जैसे हम लक्षण सिखाएंगे वैसे ही वो पकड़ेगा, कहा ठीक है पिताजी ऐसा ही होगा। अगले दिन माता पिता जरा अपने मकान से टाइम से पहले 10-5 मिनट पहले निकल गए, पड़ोसी के घर में गए, ठीक खिड़की का एक खोला जरोखा बनाया कि देखें बच्चा हमारे आदेश का पालन करता है कि नहीं। छोटा सा बच्चा टोंगा आया, टोंगे वाले को कह रखा था, उसके बराबर में बैठा, अब तो आगे की तरफ मुंह किया जैसा माता पिता का आदेश था। गली से टोंगा चला, आगे जाके सड़क में मिला, मुड़ गया, बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा, समझ गए, खुश हुए कि हाँ हमारा बच्चा ठीक लक्षणों पे हमारे आदेश का पालन कर रहा है। अब वो बच्चा गुरुकुल में जाता, और गुरुकुल में जाके आचार्य जी ने कहा कि तुम फला के पुत्र हो? के हाँ। कहा ठीक है बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे, पलाथी मारो, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, जब तक मैं आदेश नहीं दूं आंख नहीं खोलना। पकाते थे पहले के लोग बच्चों को, पकाते थे हर तरीके से, पूर्ण करते थे, पूर्णता की तरफ ले जाते थे। कहा जब तक मैं आदेश नहीं दूं खोलना नहीं आंखें। कहा ठीक है सर, ठीक है गुरुदेव, गुरुजी बोलते थे शिक्षकों को उन दिनों, पहले आपने देखा, हमने भी देखा, गुरुकुलों में जो शिष्य होते थे, जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, वो अपने गुरुओं के चरणों में लेट के अपना सिर उन गुरुओं के चरणों में टिकाते थे। आज तो नमस्कार करते हाथ जोड़ के, नमस्ते जी। इसमें एक वैज्ञानिक के रहस्य छुपा है, हमारे शरीर के जो गोल हिस्से हैं, ये किसी की बाहरी शक्ति को ग्रहण करते हैं, और जो नुकीले हिस्से हैं किसी भी प्राणी के, जो नुकीले हिस्से हैं
वो शक्ति पात करते, वो शक्ति को छोड़ते, जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको छोड़ते हैं और गोल हिस्सा उस शक्ति को पकड़ता खींचता है। इसलिए पूर्वज पुराने समय में गुरुकुलों में बच्चे गुरुओं के चरणों पे लेट जाते थे, अर्थात गोल जो चेहरा होता है, जो माथा होता है, ये पकड़ता है और गुरु के पैरों पे लेट जाते, गुरु के जो पैर नुकीली उंगलियां होती वो शक्तिपात करती, छोड़ती, स्पर्श करते थे बाकायदा, उनसे आध्यात्मिक शक्ति निकले और उसके शरीर में ग्रहण हो जाए। इसीलिए माथा टिकाया जाता था, इसलिए चरण लिए जाते थे, हाथों हाथ जोड़ते नमस्ते जी। अब वो भी छोड़ रहा, जो भी छोड़ रहा, क्योंकि नुकीले को मिला रहा, वो भी छोड़ रहा, गुरु भी छोड़ रहा, शिष्य भी छोड़ रहा, बीच में कहां जा रहा, लेने वाला तो कोई है नहीं, ग्रहण करने वाला तो कोई है ही नहीं। इसलिए गुरु गुरु रह जाता, शिष्य शिष्य रह जाता, शक्तिपात नहीं हो पाता। तो वहां तो उस आचार्य ने कहा कि बेटा आंख बंद करो और जब तक मैं आदेश नहीं दूं आंख नहीं खोलना। कहा ठीक है गुरुदेव। और आचार्य ने दूसरे बच्चों को इशारा किया, सर्दी के दिन थे, कि ठंडे जल की बाल्टी लाओ, इसके सिर पे डाल दो। वो देखना चाहता था कितना तेरे आज्ञा का पालन करता है। और दूसरे बालक लाया, वो बालक तो बैठा था आगे मत किए, गुरु ने तो कहा था जब तक मैं नहीं बोलूं खोलना नहीं आके। बाल्टी डाली गई, लगा तो थोड़ी सी ठंड लगी होगी आखिर तो बच्चा, लेकिन आंख नहीं खोली, झेल गया। गुरु को लगा हाँ ठीक, सतर पे जाने वाला। बच्चे खेल रहे थे, इशारा किया कि फुटबॉल जरा थोड़ी दूराई पर रख के किक मारो, इसको फुटबॉल को मारो, इसको लगे इस प्रकार मारो। और एक बालक ने उसको मारा पैर से, फुटबॉल आके लगी बालक को, लगी तो लगी लेकिन आंख नहीं खोली, क्योंकि माता पिता लक्षण देते थे। और अब तो तीसरा प्रयोग किया, खिचड़ी बनी थी, खिचड़ी बनती थी, खिचड़ी बनते दलिया बनता गुरुकुलों में, साधारण जो अच्छा भोजन जो प्रसाद होता वो खिला जाता, ऐसे गरिष्ठ पकवान नहीं दिए जाते जो हमारे शरीर को खराब करें। खिचड़ी बनी थी गरम गरम, कहा कि लाओ थोड़ी खिचड़ी, लाओ थाली ला के इसके ऊपर उंडेल दो। अब गुरु का आदेश था, ला के खिचड़ी के ठंडे से नहीं आंखें खोली, फुटबॉल से नहीं कुछ हलचल मची, तो जरा गरम डालो फिर देखते। और गरम खिचड़ी डाल दी, उबलती खिचड़ी डाली, उसके शरीर पे लगी, मुंह पे लगी, आके गिरी। बच्चे को जलन तो हुई होगी लेकिन आंख नहीं खोली, क्योंकि गुरु का आदेश तो अभी मिला ही नहीं। और तब तो गुरु टूट गया, गुरु ने उठाया, उठो मेरे बेटे, और छाती से लगा लिया, हृदय से लगा दिया, जा तू आज शिक्षा का अधिकारी बन गया, तू ऊंचाई पे जाएगा। माता पिता बनाते थे और माता पिता बिगाड़ते, कल बनाते थे आज हम बिगाड़ रहे, इसलिए कुसंस्कृति की तरफ जा रहा मेरा देश, इसलिए गिरावट की तरफ जा रहा, इसलिए मेरी भारत माता बोझिल होती जा रही, तड़फ रही है पापों का बोझ उठाते उठाते, क्योंकि हम बात तो करते हैं ऊंचाई की लेकिन सीरत तो हमारी गिरावट की तरफ है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठर अब राज्य करना तो कर लो, वरना तब तुम राज्य करने के अधिकारी नहीं होगे। कहते हैं कि तुमने सहदेव जो देखा, तुमने सात कुएं देखे, सात कुएं देखे, सात छह कुएं भरे जल के लबालब और बीच का खाली है। इसका अर्थ ये होगा कि कलयुग में संपन्न लोगों के बीच में भी अगर कोई हालात का मारा बसेगा, किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। नानक जी की तो थोड़ी ये थी, गुरु नानक देव तो कहते थे कि नाम जपन कर्म करण ते वंड छकन, नाम जपो। गुरु नानक देव कहते थे कि आदमी के तीन काम है, नाम जपो, कर्म करो जो कर्म करने लायक है, और वंड छकन बांट के तब खाओ। आदमी का कर्तव्य है कि जो कुछ बनाए, गृहस्थ आश्रम में भी ये धर्म आता है कि जो कुछ हम बनाते हैं जब तक किसी और को ना खिला लें तब तक खाना मानो पाप खाना होता है। कोई भी चीज हमारे पास हो उसको पहले बांटे, उसको प्रसाद मान के बांटे और फिर खुद खाओ, तुम छिक जाओगे, थोड़ी में भी, थोड़ी भी खाओगे छिक जाओगे, तृप्ति हो जाएगी। चोरी से कोई चीज खाओ जेब में डाल के, चलो बाकियों से आंख बचा के खिला लो, कितनी खा लेना तृप्ति नहीं होगी, मन तो भर सकता पेट भी भर सकता तृप्ति नहीं देगी, लेकिन कोई चीज बांट के अगर छोटा सा टुकड़ा भी खाओगे मन तृप्त हो जाएगा, एक अजीब सा उसका स्वाद आएगा, एक परम सा संतोष मिलेगा, मैंने कुछ खा लिया, तो वंड छकन। लेकिन अब तो कहते हैं कृष्ण के कलयुग में छह कुएं भरे होंगे, अर्थात संपन्नों की बस्ती में भी अगर कोई बेचारा कोई भागे का हमारा बसेगा तो उसको अपने हालात पे जीना पड़ेगा। आज हम
गृह प्रवेश कराते, मैंने बंगला बना लिया, कोठी बना ली, गृह प्रवेश, निमंत्रण देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते, मित्रों को बुलाते, हजारों हजारों रुपए खराब कर देंगे, हलवाई बिठाएंगे, भोजन बनवाएंगे, हजारों रुपए खराब कर देंगे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। रात को होटलों में जाते हैं, हजारों हजारों रुपए का भोजन कर लेते हैं, चार आदमी बैठ गए तो शायद विस्की भी कई हजार की बढ़ जाती होगी, क्लबों में जाते कितने पैसे उड़ा देते हैं। लेकिन एक अगर गरीब है और बीमार है और 5,000 रुपया उसको चाहिए इलाज के लिए और संपन्नों की बस्ती में है, तो शायद 10 परिवारों में से किसी एक का ध्यान उसकी तरफ चला जाए, दो का चला जाए, नहीं जाएगा ध्यान। है ठीक है, बीमार है तो अपने लिए हमको क्या लेना देना। तो कृष्ण कहते हैं कि कल युग में ऐसे लक्षण होंगे कि संपन्नों के बीच में रहने वाला कुआ भी खाली रहेगा, हालात से जूझना होगा। और ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर तुम राज्य करने के अधिकारी नहीं होगे। हमको एक बाबा जी की बात याद आ रही, बाबा जी गए भिक्षा मांगने, रहीम जी तो कहते थे रहीमन वो नर मर चुका, रहीमन वो नर मर चुका जो परदर मांगन जात, उनते पहले वो मुए जिन मुख निक्षित नाथ। रहीम कहते थे वो तो मर ही गया बेचारा जो किसी के घर जाके हाथ पसारता मुझे दो, लेकिन उससे पहले वो मरे हुए हैं जिनके मुंह से ना निकल गए, नहीं बाबा नहीं मिलता। तो बाबा जी गए किसी के यहां भिक्षा मांगने, बाबा जी ने आवाज लगाई माई भिक्षा दे, और अंदर से आवाज आई बाबा टमाटर खाओ। अब बाबा जी तो खुश हो गए, अरे आज तो टमाटर मिलेगा, अब तो सूखी रोटी मिलती थी या तो आटा मिलता था, आज तो टमाटर मिलेगा, सलाद मिलेगी खाने को। बाबा जी खड़े हो गए, दो चार मिनट लगी, लगा भी ला रहा होगा, फिर देखा कहीं भूल गए, दोबारा आवाज लगाई बाबा माई भिक्षा दे, फिर आवाज आई बाबा टमाटे खाओ। बाबा को लगा काट रहे होंगे, सलाद बना रहे होंगे, अब काली मिर्ची डालेंगे, जीरा डालेंगे, सजा के लाएंगे, आज तो बड़ी कृपा हो रही प्रभु की, प्रभु आज तो सैलड खाने को मिल रही है टमाटो की। अब 10 मिनट फिर हो गई, बाबा को लगा बात क्या, अभी तो बार बार कह रहे थे टमाटे खाओ। तीसरी बार फिर आवाज लगाई माई भिक्षा दे, तब एक जवान लड़का निकल के आया, जवान लड़का, और उसने कहा कि बाबा तुमको सुनाई नहीं दिया कितनी बार कह लिया। बाबा जाओ, कहा भाई जाऊं तो, अरे अभी तो कह रहे थे टमाटे खाओ, मैं तो इसलिए रुका था। और उस लड़के ने कहा था बाबा जी वो मेरा छोटा भाई ना, वो आंकला है, तोतला है, वो कह को तय बोलता है, वो कह नहीं बोलता, कह बोलता तो टह निकाओ, कह रहा था बाबा कमा के खाओ, कमा के खाओ, देखो यहां से। रहीमन वो नर मर चुके जो परदर मांगन जाते, उनते पहले वो मुए जिन मुख निक्षित नाथ। तो हालात ही है कि कुआ खाली रहे तो खाली रहे, भरा है तो भरा, खाली है तो खाली, ना भरे को खाली की परवार, खाली तो भरे की क्या बेचारा मदद करेगा, तो खुद ही खाली है। और मेरे सत्संग चलते तो एक हमारे साथ पंडित जी आते थे, अब तो दानियों का भी हाल है, कर्म तीन स्तंभ तो हमारे टूट गए, पवित्रता का स्तंभ, सत्य का स्तंभ, तप का स्तंभ, दान का स्तंभ थोड़ा बाकी, वो भी हमारे पंडित जी होते थे तो कभी कभी हम भगवान की चर्चा करते तो स्वाभाविक है भावुक हो जाए, आंखों में अश्रु आ जाए, गदगद हो जाए, तो जब उसकी कृपाओं का गुणगान करें तो भाव बदल जाते हैं, तो आंखों में अश्रु आने लगते।
एक दिन मैंने कहा कि पंडित जी आपने आपको नहीं कभी रोना आता, कितनी चर्चा करते हैं हम परमात्मा की, कितना उनके गुण गुणगान करते, कितनी हम घटनाएं बताते हैं, कैसे कैसे कृपालु मेरे दयालु दाता भक्तों पे कृपा करते हैं, आपको कभी नहीं रोना आता? तो उन्होंने कहा कि मेरे को कहा कि रोता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं छुप के रोता हूँ, जरा मुंह फेर लेता हूँ। कहा कब रोते हो, मैं तो दिखाई नहीं दी। कहा फिर आप कभी ध्यान देना, जब सत्संग के बाद आरती होती ना, और आरती के बाद आरती की थाली जब मिलती है ना खाली, तो तब फिर मुंह छिपा के रोता हूँ। सत्संग सुनते हैं लोग, हरि का प्रसादा लेते हैं, उठ के चले जाते हैं, ब्राह्मण के लिए कुछ छोड़ते नहीं। तो जब आरती की थाली मिलती है खाली, और मेरे शहर की अपनी घटना तो मैं एक दिन एक बता रहा था, कोई बड़ी अच्छी लगी मुझे। कहा दो दोस्त जा रहे थे, मिशन रोड जाता ना, वहां से मिशन रोड फटती है, तो दो दोस्त जा रहे थे, शाम का टाइम था, अभी दिन छिपने वाला था। दोनों एकदम पक्के दोस्त थे, रोज साथ साथ रहते थे। चलते चलते सड़क पे एक दोस्त को लगा कुछ गिरा, उसने नीचे हाथ किया उठाना, चाक जो गिरा था नीचे, अब तो नीचे हाथ गया और उसके यहां से अब जेब को कितना हुआ। दूसरे दोस्त को लगा कुछ उठाया और जेब में डाली, कहा क्या उठाया बता तो। कहा कुछ भी तो नहीं उठाया। कहा झूठ बोलता है, मेरे सामने झुका, मेरे सामने झुका और अभी जेब में हाथ गया, सच बता। अरे मैं बटवाऊंगा नहीं, बता तो दे क्या उठाया। उसने कहा सच्ची बोलता हूं, कुछ नहीं। कहा तुझे मेरी सौगंध, सत्य बता। कहा सौगंध दिला दी तो पूछ ले, पूछना ही चाहता तो। कहा भाई क्या बताऊं, ये सोनीपत वाले तो थूकते भी इस प्रकार से है कि लगता है जैसे अठन्नी गिरी है। उसको तो लगा अठन्नी गिरी, उठा तो थूक था, वो बेचारा अपने कपड़े से पूछ रहा था। प्रभु तेरी जय हो, इसलिए छह कुएं भरे होंगे तो सातवां खाली होगा, ये कृष्ण कहते हैं, ये कली धर्म का लक्षण होगा। परमात्मा करे कि हम जागृत हो जाए। सोने वालों जग जाओ, जगने में ही कल्याण है, जगने में ही उद्धार है, और जग जाओ और पांचवे उसकी तरफ चलो। सहदेव पूछते हैं कि एक पहाड़ से टुकड़ा गिरता है, लुढ़कता है, बड़ा पत्थर नहीं रोकता, पेड़ नहीं रोकता, एक छोटा सा पौधा रोकता है, इसका क्या अर्थ है? और तब केशव कहते हैं कि छोटा सा पौधा माने जो दिखाई नहीं देता, वो परमात्मा रूपी नाम, वो हरि का नाम, उसका आश्रय लोगे तो तुम्हें रोक लेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारी सब व्यवस्थाएं अपने कंधे पे उठा लेगा। हरि का आश्रय लो और हरि के नाम पे चलो, यही मेरे संत सिखाते हैं और यही सत्संग का सार होता है। परमात्मा करे कि हमारा रुझान अगर परमात्मामयी हो जाएगा तो सच्ची संपन्नता हमारे अंदर आ जाएगी, तब सच्ची संपत्ति के मालिक हम बनेंगे, तब संतोष की संपत्ति होगी, तब शांति की संपत्ति होगी, तब वाणी शुद्धि की संपत्ति होगी, तब संकल्प की शक्ति होगी, संपत्ति होगी। वरना तो जब तक परमात्मा से दूर रह के केवल साधनों में और संसार में चूर रहेंगे, तब तक हम अधूरे रहेंगे, तब तक हम भूखे रहेंगे, तब तक हम अतृप्त रहेंगे, और तब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं आ पाएगा। भटकाव ही भटकाव होगा, बिखराव ही बिखराव होगा, तकरार ही तकरार होगी, दरार ही दरार होगी, प्यार लुप्त होता जाएगा और द्वेष बढ़ता जाएगा। भगवान करे कि इन दोषों से हम बचें और अपने आप को किसी महापुरुष के चरणों में डाल के परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना ले, ताकि हमारे जीवन का सुधार हो सके, ताकि हमारा कल्याण हो सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी संस्कार रूपी पूंजी को प्राप्त कर सके, ताकि मेरी भारत माता चित्कार बंद कर सके। बहुत बीत गई थोड़ी बची है, अब तो अलख जगा बाबा, दो दिन का ये खेल तमाशा, क्यों आसक्त बना बाबा, थोड़ी सी बची है, बहुत तो बिता डाली। बहुत बीत गई थोड़ी बची है, अब तो अलख जगा, अलख निरंजन, अब तो परमात्मा की शरण में जा, वरना तो याद रखना दो दिन का ये खेल तमाशा, क्यों आसक्त बना, क्यों आसक्ति में फंसा आप भी। अब जन्मदिन मनाते हम, खुश होते हैं, जन्मदिन है, मैं तो कहता हूं मृत्यु दिन मनाया करो, खौफ खाओ, इतना जीवन बिता दिया, मृत्यु करीब आ रही है। हर जन्मदिन पे हम वस्तुतः मृत्यु के एक कदम और करीब चले जाते हैं, मृत्यु के निकट जा रहे हैं, दिन पे दिन, महीना दर महीना, साल दर साल।
मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जागेंगे कब, संभलेंगे कब, अलख निरंजन कब बोलेंगे, हरि के शरणागति कब करेंगे। मैं गया था किसी, कोई आर्मी ऑफिसर थे उनके यहाँ, एक स्लोगन उनको बड़ा शौक था, कई प्रकार के स्लोगन उन्होंने अपने ऑफिस में लिखे थे। उसमें लिखा था एक स्लोगन, इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू बी ट्रू देन डोंट स्लीप, इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू बी ट्रू देन डोंट स्लीप। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे स्वप्न सत्य हो जाए तो सोना मत। अब अज्ञानते की भाषा में तो कहेंगे कि सोएंगे नहीं तो स्वप्न आएंगे कहां से, लेकिन ज्ञान की परिभाषा यह कहेगी कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा स्वप्न पूरा, स्वप्न तो हर आदमी का वही परमात्मा मय होकर उद्देश्य की प्राप्ति करे, तुम चाहते हो तुम्हारा मानव स्वप्न, मानव का उद्देश्य पूरा हो तो सोना मत। सोना मतलब का मतलब यह नहीं कि निंद्रा ही मत लेना, रात्रि विश्राम के लिए बनाई, पर इसका गहरा अर्थ यह था कि जग जाओ। जगने का अर्थ है कि क्या करना चाहिए, कौन से ट्रैक पे चलना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए, संपत्ति का आश्रय ले या सन्मति का आश्रय ले। सन्मति ऊंचाई पे ले जाती है और संपत्ति सफलता पे ले जाती है, दौड़ में ले जाती। तो इसलिए जग जाए, इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू बी ट्रू देन डोंट स्लीप, जागृत हो जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हालात हो, जहां पे भी हो, ये कर्मों का बंधन है, कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करके आए वैसी अवस्था में हम आज हैं, हमारा जन्म ऐसी अवस्था में हुआ, जो करके आए, जितना दान पुण्य करके आए, जैसी अवस्था में होके आए, तो जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करें। तेरे सुखों से भी प्यार, तेरे दुखों से भी प्यार, तेरी जो भी हो कृपा दाता मुझको स्वीकार। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों तुम्हारे, कर्म मेरे थे और देने वाले तुम। चाहे कोई परिस्थिति हो, संस्कार का पल्ला ना छोड़े, तुम्हारा स्वप्न पूर्ण होगा, बनेगा भी और पूर्ण भी होगा, प्राप्ति भी होगी। जो भी अवस्था, कुछ भाई कहते कि अब क्या करे, भाग दौड़ तो करनी पड़ती है, साधन बढ़ाने ये करना होगा, अच्छी बात है, लेकिन टिक जाओगे तो भी, टिक जाओगे तो ज्यादा संपन्न हो जाओगे। राजा साहब की सवारी निकल रही थी, बुद्ध जी, बुद्ध ने साधना की, तो अब गया में जाके देखो, आप बुद्ध का मंदिर देखो, कितनी परम शांति, वहां पे जाके बैठोगे तो उठने का मन नहीं करता, इतनी परम शांति। और बुद्ध जी आज तस्वीर रूप में, मूर्ति रूप में ऐसे लगते हैं जैसे साकार बैठे, बिल्कुल साक्षात बैठे। अब तप किया, त्याग किया, मोह से दूर गए, तो आज एक धर्म, बुद्ध धर्म का प्रसार कर दिया। आज सैकड़ों सैकड़ों अनुयायी हैं, आज परम शांति की अवस्था में, आज सदा सदा जागृत, सदा जीवित है। कहते स्लोगन आता है, जो जाते जो आते हैं सो जाते हैं, जो जाते खो जाते हैं, कुछ मानव ऐसे आते हैं जो मरकर जीवन पाते हैं, मौत के बाद भी, मौत को जो मार देते हैं, मौत के बाद भी जिनका जिक्र होता है जमाने में, सही मायने में तो उनका जीना है। तो बुद्ध जी जी रहे, आज भी जी रहे। बुद्ध जी बराबर के खेत में लेटे, उनके नीचे डला, गर्मी के दिन, गर्मी पड़ी दोपहर का समय, निंद्रा आ गई, पेड़ के नीचे लेट गए, कच्ची बोने की जमीन में, जुताई की जमीन से मिट्टी का डला उठाया और तकिया लगा लिया सिर के नीचे, आराम से सो रहे मस्ती से। और राजा साहब थे उन दिनों, उनकी सवारी निकल रही, राजा को लगा ये कौन है, ये कौन है भिक्षु जो आराम से सो रहा। और खिंचाव इतना था उनके चेहरे में, तेज इतना था कि अचानक बुला ली, सवारी रुकी, राजा को जाना पड़ा, मैं तो करीब से दर्शन करना चाहता हूं। और जब करीब गए तो देखा, देखा चेहरे पे जो तेज था और चरण वंदना की, कहा मैं तो राजा हूं, तू तो महाराजा है, कुछ भी तो नहीं था साथ में, लेकिन महाराजा मिट्टी का तकिया बना के। तो जो त्याग का जीवन अपनाते हैं, तपस्वी का, तपस्या का जीवन अपनाते हैं, हरि का मार्ग अपनाते हैं, उनमें एक अजीब खुशबू चली जाती है, तुम एक विशेषता, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थितियां आती हैं चली जाती, हालात बनते बिगड़ते,
कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, और कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो। कभी सुख आते कभी दुख आते, जो आता है जो होता अपने आप में होने दो, होने दो, कर्मों का खेल पूरा होने दो। तुम अपने धर्म पे टिके रहो, तुम अपने मकसद पे टिके रहो, पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यही संत संदेश देते हैं। और बुद्ध जी ने भेजा अपना शिष्य के जाओ पानी लाओ, प्यास लगी बराबर में झील है वहां से जाओ, ये बर्तन भर के लाओ पानी पीना। वो शिष्य उनका गया, वो झील में कोई गाड़ी आई, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो पानी से निकाल के ले गई अपनी गाड़ी को, रास्ते में पानी भरा था, झील के अंदर से ले गया, एक पहिया गया और मिट्टी उठी, पानी गंदा हो गया। बुद्ध का शिष्य चकराया, अब पानी लेके जाऊंगा तो गुरुदेव को कैसे पिलाऊं, मिट्टी का पानी, गंदा पानी। वापिस आया, कहा गुरुदेव वो पानी तो गंदा है, वो तो गाड़ी निकल गई गंदा पानी हो गया, कोई दूसरी जगह बताओ। और बुद्ध ने कहा था कोई बात नहीं, इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार करो, बाद में जाना वही पानी स्वच्छ मिलेगा, अब मिट्टी उठी है तो बैठेगी भी। और थोड़ी देर बाद गया तो वही निर्मल, दोबारा से निर्मलता पकड़े था, शुद्धता स्वच्छता पकड़े था, जल भर के लाया कलश पिया। बुद्ध जी संदेश दे रहे हैं कि तेरी स्थिति में, तेरे जीवन में अगर कुछ हालात विपरीत भी आ गए हैं, इंतजार कर, ये जो आज मिट्टी उछली है कल बैठेगी भी, आज तुझे परेशानी आई कल सामान्यता भी आएगी, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी, जख्म भी वो देता तो मरम भी मेरा परमात्मा देता, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती और तब भी वो परिवार संभलता और आगे बढ़ता। परिस्थितियां जो आए आने दो, हम अपने धर्म पे टिके रहे, हम अपने कर्तव्य का बोध सदा याद रखें, ये मानव जीवन का सार होता। और शिव बहुत बड़ा संदेश देते, मेरे शिव देखना, त्रिलोकी के स्वामी और कैलाश पे बैठे मेरे परमात्मा, जो इतने संपन्न दाता, जो अपने भक्तों को वरदान से भर देते हैं, और वो खुद नीले गगन के तले खुले आसमान में, कोई मकान नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई महल नहीं, वस्त्रों तक का ख्याल नहीं, नगन शरीर है, तो बैठे बस अपने एक पर्दा आ गया। संदेश देते हैं मैं संपन्नता को पा सकता हूं क्योंकि पूर्ण संपन्न हूं, मैं संपन्नता का स्वामी हूं, फिर भी देखूं कि कैसे हालात में मस्त हूं। बहुत बड़ा संदेश देते हैं कैसा मस्त हूं। और उनका गहना तो देखो, गले में सर्प है और साथ में शिव परिवार है, और कार्तिक जी की सवारी चूहा है, चूहे का सांप का बैर होता, एक पल भी दोनों टिक नहीं सकते, वहां साथ साथ बैठे। शिव जी की सवारी तो नंदी नंदेश्वर बैल, और उनकी आदर्श शक्ति जगत जननी, उनकी सवारी सिंह, शेर और बैल का कभी साथ नहीं होता, एक पल भी साथ नहीं रह सकते, शेर पकड़ के उधेड़ देगा बैल को, लेकिन वहां साथ हैं दोनों, मोर और सर्प साथ हैं, चूहा और सर्प साथ हैं, शेर और बैल जो विपरीत स्वभाव के प्राणी हैं वो सब के सब साथ हैं। शिव संदेश देते हैं मित्रता पूर्ण तरीके से रहो, अपनापन से रहो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और परिस्थितियों को बर्दाश्त करो, जो है वैसा है ठीक है। लुकमान जी आपने सुना, बहुत बड़े वैद्य हुए, विश्व विख्यात वैद्य, उनकी घटना बहुत गरीबी देख के आए थे वो, बहुत गरीबी में लुकमान रहे और तब देखा के किसी की नौकरी करते थे यहाँ पे, मालिक ने दिया ककड़ी ला के देता, ककड़ी खाने को देता। एक बार उनके उसमें आता है कि ककड़ी ही मालिक ने दी, कर लो नौकर को भी तो देते हैं, चलो नौकर थे तो क्या था, दे देते अच्छे मालिक, कहा लो ककड़ी खाओ। ककड़ी खाई तो कड़वी थी, उस मालिक ने वो चख ली थी पहले, चखी तो लगा कड़वी है, और पता नहीं क्यों मन में आके चलो नौकर को दे दो। अब नौकर की क्या औकात बेचारे की, खा लेगा जैसे भी, ऐसा सोच के नौकर को दे दी कड़वी ककड़ी चखी हुई। नौकर ने लिया, लुकमान जी ने लिया, खा गया, काट के खाई तो देखा कड़वी है, लेकिन आभास भी नहीं होने दिया, पूरी की पूरी खा गई, काटते गए मुंह से, चबाते गए, खाते गए, मालिक देख रहा। मालिक ने कहा कि भैया ये कड़वी थी ना, कि हाँ मालिक कड़वी थी, कि बहुत कड़वी थी, कि हाँ बहुत कड़वी थी, फिर भी तुम खा गए, तुमने थू थू नहीं किया, वापस नहीं छोड़ डाली,
का मालिक मीठी भी तो आप ही खाने को देते थे रोज, जब आप रोज मीठी खाने को देते थे और आज कड़वी दे दी तो कड़वी भी तो मुझे खा लेनी चाहिए। और महानता को छुए लुकमान, विश्व विख्यात बन गए, आज भी चर्चा आती है। अर्थात जो आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, कभी अच्छी आएंगी कभी खराब आएंगी, कभी नरम होगी कभी गर्म होगी, जो भी हो जैसे हालात में, लेकिन हरि का पल्ला पकड़ ले, उस परम प्यारे का पल्ला पकड़ लो। हे हरि, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी जिस हालात में रख दे, प्रभु तेरी जय हो, ऐसा जो भाव बना लेते हैं उनके जीवन में एक अजीब निखार आ जाता है, अजीब मस्ती आ जाती। भाईजीत होते थे, भाईजीत का जूता नहीं था, यहां तक अवस्था थी जूता नहीं था। किसी ने पूछा कि तू सदा हरी हरी करता, अरे जूते तक की व्यवस्था तेरे परमात्मा ने नहीं की और तू हरी हरी करता रहता, प्रभु तेरी जय हो। और उन्होंने कहा था कि अरे मूर्ख, पैर तो दिया, जूता नहीं दिया, पैर तो दिया। ऐसे भी तो जिनको पैर भी नहीं, अपने कर्मों के कारण पैर भी नहीं, लंगड़े, या तो एक पैर से, या तो अपाहिज, या तो चल फिर भी नहीं सकते, जूता नहीं तो पैर तो है, कौन सी बात होगी, उसकी कृपा है। अरे इंसान तो बनाया, कीड़ा तो नहीं बनाया, विष्ठा खाने वाला स्वर तो नहीं बनाया, प्रभु तेरी जय हो। जो उस कपल्ला पकड़ लेते हैं, जो पति परमेश्वर है हमारा सबका, उनके जीवन में ये घटनाएं कि अभी कैसे वातावरण है, कैसे हालात है, ये ज्यादा असर नहीं डालते। वो अपनी मस्ती में चलते, अपना काम करते रहते, मौज में सदा धन्यवाद करते, सदा धन्यवाद करते। एडिसन नाम के हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े वैज्ञानिक, 15 साल तक पिता और पुत्र लगे रहे, तब खोज करते थे, नई नई खोज जन सुविधा के लिए, विज्ञान उन्नत हो उसके लिए करते। तो तब की आविष्कार में राज, आज तो इंस्ट्रूमेंट्स, आज तो सुविधाएं हैं, आज तो मशीनी युग है, लेकिन तब तो बहुत दिक्कत होती होगी। 15 वर्ष तक लगे रहे उनके जीवन यात्रा को, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी का ठीक से जो जो निष्कर्ष निकालना चाहते थे, जो वैज्ञानिक खोज करना चाहते थे, वो प्राप्ति की 15 वर्ष हो गए, जब पूर्णता को मिले तो अब तो सारे सूत्र फार्मूले तैयार थे। और रात को लेबोरेटरी में आग लग गई, सुबह उठे तो धू धू करके जल रही थी, बेटे ने उठा, पिताजी आग लग गई, पिताजी 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। और एडिसन ने कहा था कि बेटा नहीं, कुछ भी तो नहीं, प्रभु तेरी जय हो। वो परमात्मा को लगा के भी हमने पूरा अभ्यास नहीं किया, अभी हम कच्चे हैं, इसने दोबारा मौका दे दिया कि इसको सबको अब जला दिया, दोबारा से शुरू करो। कोई बात नहीं बेटा, कल फिर शुरू करेंगे, फिर शुरू करेंगे, 15 साल हमने लगाए, 15 साल और लगा लेंगे, बात कौन सी। तो जो संतों के समागम में चले जाते हैं, उनकी बुद्धि सुमुति में, उनकी मति कुमुति में नहीं, सुमुति में बदल जाती है, और एक बात को पकड़ लेते हैं कि जो भी हो रहा ठीक हो रहा है, जो हो रहा उसकी इच्छा से, हमारे कर्मों से हो रहा है, उसमें ज्यादा हलचल की बात नहीं होती।